हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम हैमलेट, वन ऑफ द फोर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर पे लेक्चर करने जा रहे हैं। और लेट्स बिगिन। सबसे पहले कुछ की फैक्ट्स देख लें। फुल टाइटल जो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ऑथर है विलियम शेक्सपियर। जॉनरा है ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी। लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। टाइम और प्लेस, जब लिखा गया तो लंदन इंग्लैंड में लिखा हुआ है और अर्ली 17th century में बोला जाता है इसको लिखा गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर कहा जाए तो 1603। प्रोटैगनिस्ट हैमलेट हिमसेल्फ। मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है जब हैमलेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि उसके फादर का जो मर्डरर है, अंकल उनके क्लॉडियस, उससे एवेंज लेना है, उससे रिवेंज लेना है। तो वो एक फीलिंग जो शुरू होती है हैमलेट के अंदर, दैट वाज द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। फिर राइजिंग एक्शन की बात करें तो जब घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट में और हैमलेट को पता चलता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ है और कौन मर्डरर है, तो फिर ये जो है एक राइजिंग एक्शन शुरू हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट इन हैमलेट। तो ये एक राइजिंग एक्शन है। क्लाइमेक्स की बात करें, जब पोलोनियस को हैमलेट मार देता है Act 3 Scene 4 में, और वहाँ से जो है एक्शन, जो क्लाइमेक्स शुरू हो जाता है पूरे प्ले का। फॉलिंग एक्शन की बात करें तो जब इंग्लैंड को, इंग्लैंड भेजा जाता है हैमलेट को, और वहाँ पे प्लान किया जाता है कि इसको, हैमलेट को वहाँ पे मार दिया जाएगा, तो ये एक फॉलिंग एक्शन है पर्टिकुलर पूरे ड्रामा का। सेटिंग अगर हम देखें टाइम वाइज तो लेट मेडिवल पीरियड की सेटिंग है, टाइम की सेटिंग लेट मेडिवल पीरियड है। और सेटिंग अगर प्लेस की बात करें तो डेनमार्क और नॉर्वे, दो जगह ये पूरा प्ले दो जगहों पे ये मतलब एक्ट होता है सेटिंग प्लेस की जो है। थीम अगर देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन, मिस्ट्री ऑफ डेथ, और इस तरीके की थीम है। सिम्बल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करते हैं हैमलेट में। जो पहला सिंबल है वो घोस्ट का सिंबल है, जो कि शो करता है टफ टाइम, मतलब हार्ड टाइम आने वाला है। घोस्ट के अपीयरेंस के बाद से पूरा एक्शन चेंज हो जाता है। तो ये घोस्ट का जो अगर सिंबल देखा जाए तो वो है टफ टाइम आर कमिंग अहेड। फ्लावर का अगर सिंबल है यहाँ पे ओफीलिया का, ओफीलिया का जो इनर टर्मोइल है, हैमलेट उसको नेग्लेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से जो उसके अंदर का टर्मोइल है वो फ्लावर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। और फ्लावर उसके फेथफुलनेस को भी शो करते हैं हैमलेट के प्रति, तो ये फ्लावर्स का सिंबॉलिक रूप है। स्कल अगर देखा जाए तो स्कल का सिंबल है डेथ, डीके, यूजलेसनेस का, ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, कि किस तरीके से डेथ के बाद कोई भी इंसान, चाहे वो किसी कास्ट का, रिलीजन, क्रीड का हो, वो इक्वल हो जाता है। तो स्कल जो है वो एक तरीके की दिखाता है कि डेथ और डीके और किस, जो भी आप आज हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है आफ्टर आपकी डेथ। फिर अगर वेदर की बात करें तो वेदर, बैड वेदर अगर है पूरे ड्रामा में तो दैट साइन अ वर्स सिचुएशन इज़ कमिंग अहेड। और अगर गुड वेदर है तो गुड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेवयार्ड का सीन है तो ग्रेवयार्ड इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट सिम्बल। ग्रेवयार्ड जो है वो इनसेंसिटिव पूरे जो लोग हैं उनकी इक्वालिटी को शो करता है और उनके पॉलिटिकल पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये ग्रेवयार्ड का है। माउस ट्रैप प्ले विद इन द प्ले इसको यूज़ किया है शेक्सपियर ने। और हैमलेट ये प्ले अपने अंकल क्लॉडियस के लिए एक्ट करवाता है कुछ ग्रुप ऑफ प्लेयर से, और इस प्ले का नाम रहता है मर्डर ऑफ गोंजैंगो। और इसका एक जो और टाइटल है उसको माउस ट्रैप कहते हैं। ये इसलिए स्टेज किया जाता है कि क्लॉडियस उसको देख के और उसके फेस पे वो एक्सप्रेशन आए कि हाँ उसने वो क्राइम किया था। तो जो क्राइम क्लॉडियस ने किया था हैमलेट के फादर को मार के, उस पूरे सीन को हैमलेट ने वापस रिक्रिएट किया था इस प्ले के थ्रू। तो ये माउस ट्रैप जो है एक तरीके का रियल कल्प्रिट को पकड़ने के लिए ये ट्रैप था। तो itself it is a symbol of माउस ट्रैप। फिर फेंसिंग sword की अगर हम बात करें तो वो एक फाइनल सीन के ड्यूरिंग ड्यूल बिटवीन दो, ओफीलिया के ब्रदर और हैमलेट के बीच में ये जो ड्यूल होता है, लियर्ट्रिस और हैमलेट के बीच का ये जो ड्यूल है वो सिम्बोलाइज करता है वायलेंस और डेथ प्ले के अंदर। ग्रेव डिगर की बात करें तो वो सिग्निफाई करते हैं कि हर लोग जो भी लोग डेथ मतलब मर जाते हैं वो
अल्टीमेटली इक्वल हो जाते हैं. तो वो ग्रेव डिगर्स का अगर हम पोजीशन देखें तो ये एक फिलोसोफर का भी काम करते हैं, जो कि बताते हैं कि कोई भी पोजीशन पे इंसान है लेकिन आफ्टर डेथ अगर उसकी डेथ हो गई तो वो इक्वल हो गया. डेथ के बाद कोई राजा कोई बड़े पोजीशन पे नहीं है, ईच एंड एवरी वन इज इक्वल. और ये एक गुड फिलोसोफर के रूप में सामने आए हैं, तो ये सिम्बॉलिक है इक्वालिटी का, ग्रेव डिगर्स. फिर अगर हैमलेट के कॉस्ट्यूम की बात करें तो पूरे थ्रू आउट द प्ले हैमलेट का जो कॉस्ट्यूम है वो डार्क ब्लू कलर में है, जो कि उसके फादर के डेथ की मॉर्निंग को दिखा रहा है कि वो अपने फादर के डेथ से, डेथ की वजह से इतना दुखी है. तो वो पूरा पूरा ड्रेस उसका उसी चीज़ का सिम्बॉल, उसी चीज़ को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और हैमलेट का ब्लैक कॉस्ट्यूम उसके एंग्विशनेस को शो करता है, तो ये उसका पूरा सिंबल है. पॉइजन की अगर बात करें तो पॉइजन जो यूज़ हुआ है हैमलेट के फादर को मारने के लिए उसका नाम हेनबेन है, और वो कान में उसके पोर कर देता है क्लॉडियस, ओल्ड हैमलेट के कान में, राजा के कान में. और इसकी वजह से जो पॉइजन है वो सिम्बॉलिक है ट्रेचरी का और बिट्रेयल का. फिर कुछ 12 इम्पॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं हैमलेट का, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है. सबसे इम्पॉर्टेंट कोट है, डाउट दाउ द स्टार आर फायर, डाउट दैट द सन डोथ मूव, डाउट द ट्रू टू बी द लायर, बट नेवर डाउट आई लव. ये पोलोनियस रीड करता है लेटर गर्ट्रूड के सामने, और ये लेटर हैमलेट ने ओफीलिया को लिखा है, जिसमें ओफीलिया से हैमलेट कहते हैं कि तुम तारों पे शक कर लेना, आग पे शक कर लेना, सन पे शक कर लेना, एक पल के लिए सच के ऊपर भी शक कर लेना, लेकिन कभी भी मेरे प्यार के ऊपर शक मत करना. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट कोट है, नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ्ट लूज बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री. ये पोलोनियस अपने बेटे लियर्टिस से कहता है. फिर अ लिटिल मोर देन कीन एंड लेस देन काइंड, ये हैमलेट क्लॉडियस से कहता है एक्ट वन सीन टू में. फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट है, व्हेन सोरोज कम दे कम नॉट अ सिंगल स्पाई बट विद अ बटालियन. तो ये एक है क्लॉडियस गर्ट्रूड से कहता है, दैट इज एक्ट फोर सीन फाइव. और ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये पोलोनियस की स्पीच है एक्ट टू सीन टू. देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ये हैमलेट की सोलिलोक्वी है. सोलिलोक्वी मतलब कि जो आदमी खुद से बात करता है. तो हैमलेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोलिलोक्वीज हैं, जिसको आपको देख लेना चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं. फिर दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट, ये पोलोनियस ऑडियंस के सामने कह रहा है एक्ट टू सीन थ्री में. एट, वॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी. ये पूरी पूरी स्पीच है हैमलेट की, अपने फ्रेंड से कहता है एक्ट टू सीन टू में. दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये एक्ट वन सीन थ्री पोलोनियस लेअर्टिस से कहता है, अपने बेटे से कहता है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोलिलोक्वी और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोट है हैमलेट का, एक्ट थ्री सीन वन. फिर है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप आवर एंड्स, ये भी हैमलेट की सोलिलोक्वी है एक्ट फोर सीन टू. फर्टिलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये एक्ट वन सीन टू हैमलेट की सोलिलोक्वी है. ये अपने मदर, जब उसकी मदर शादी कर लेती हैं क्लॉडियस से, उसके अंकल से, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट हैमलेट का आता है. प्ले को जो लिखा गया एग्जैक्ट टाइम बोलते हैं 1599 से 1601 में. कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो अर हैमलेट करके एक सोर्स कहा जाता है, और लेजेंड ऑफ एमलेथ है ये बोला जाता है कि सोर्स है. अर हैमलेट को कहा जाता है कि मे बी ये थॉमस किड के थ्रू लिखी हुई हो, क्योंकि इसका ऑथर अननोन है, या फिर शेक्सपियर, इन दोनों में से किसी एक ने इसको शायद लिखा है, ऐसा लोग बोलते हैं. हैमलेट शेक्सपियर का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है. अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो यस, कैरेक्टर में सबसे पहले हैमलेट का कैरेक्टर है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और ये अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता है अपने अंकल से. अंकल जो है इनके, उनका नाम क्लॉडियस है, क्लॉडियस किंग ऑफ डेनमार्क है. ये अपनी अपने भाई की विडो, मतलब विधवा से शादी करते हैं गर्ट्रूड से, गर्ट्रूड मदर ऑफ हैमलेट.
और ये घोस्ट जो है ये ओल्ड मतलब किंग हैमलेट के मतलब फादर हैं, हैमलेट के फादर हैं, उन्हीं का घोस्ट रहता है जो कि अपीयर होता है, और वो बताता है कि उसका मर्डर जो है किसने किया और कैसे किया है। होरेशियो इज़ द लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट और ये प्रिंस हैमलेट को हर जगह सपोर्ट करता है। फिर अगर देखें तो लेअर्टिस की बात करें, लेअर्टिस सिस्टर और ब्रदर का रिलेशनशिप है ओफीलिया के साथ इनका, दे आर सिबलिंग्स, और ये फ्रांस से रिटर्न होते हैं और ये अपने फादर पोलोनियस का बदला लेते हैं लास्ट में हैमलेट को मार के। तो हैमलेट और लेअर्टिस ये दोनों आपस में ड्यूल फाइट में, स्वॉर्ड फाइट में इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि दोनों के जो स्वॉर्ड होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, उनको उसको पॉइजन से डिप करके ये लोग मतलब आपस में लड़ाई करते हैं। फिर पोलोनियस की बात करें तो यस, ये ओफीलिया और लेअर्टिस का फादर, और इनका मर्डर हो जाता है हैमलेट के हाथों धोखे से। फिर जो एक और कैरेक्टर जो इसमें इम्पॉर्टेंट निकल के आता है वो रेनॉल्ड है, रेनाल्डो सॉरी रेनाल्डो, ये एडवाइज़र और सर्वेंट रहता है पोलोनियस का, और ये स्पाई करता है लेअर्टिस पे। तो पोलोनियस रेनाल्डो से अपने बेटे लेअर्टिस के ऊपर स्पाई करवाता है, और फिर रोजनक्रांट एंड ग्लाइडस्टर्न ये जो हैं ये दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हैं हैमलेट के, और ये किंग क्लॉडियस के कहने पे हैमलेट के ऊपर स्पाई करते हैं, और ये इनके हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो नॉर्वे, ये सारी जो कैरेक्टर अभी हमने देखे ये डेनमार्क में हैं, और अगर नॉर्वे की बात करें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, एक फोर्टिन ब्रास, ओल्ड फोर्टिन ब्रास एंड यंग फोर्टिन ब्रास। ये ओल्ड फोर्टिन ब्रास की अगर बात करें तो ही इज़ द किंग, एंड यंग फोर्टी ब्रास की बात करें तो ही इज़ द प्रिंस। जो सबसे पहले घोस्ट देखता है किंग हैमलेट का वो है गार्ड्स रहते हैं और होरेशियो। गार्ड्स में तीन गार्ड हैं जिसमें कि मार्सिलस है, बर्नाडो है एंड फ्रांसिस्को है। ये तीन गार्ड हैं जिसमें से मार्सिलस एंड बर्नाडो ये दो ऐसे गार्ड रहते हैं जिन्होंने सबसे पहले घोस्ट को देखा, और वो आके होरेशियो से कहता है, और होरेशियो फिर हैमलेट को बोलता है कि इस तरीके का किसी को देखा गया है। और फिर अगर कुछ इम्पॉर्टेंट, इन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के अलावा जो कुछ और कैरेक्टर्स निकल के आते हैं प्ले में, उसमें एक है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक ये बहुत चैटी कोर्टियर है और इसकी जो हैट है वो काफ़ी फनी है। ग्रेव डिगर्स, इनका रियल नाम नहीं आया है कहीं भी, बस इनको ग्रेव डिगर्स ही कहा गया है। ये एक अच्छा खासा कैरेक्टर है इन दोनों का, दो ग्रेव डिगर्स हैं और इसमें ये कॉमिक रिलीफ प्रेजेंट करते हैं। फिर प्रीस्ट, प्रीस्ट जो कि ओफीलिया को बरी करता है मतलब दफनाते दफनाने में इनकी मदद करता है, लेकिन इनको अच्छे से ये रिचुअल नहीं करता क्योंकि ये सुसाइड होता है, ओफीलिया ने सुसाइड कमिट किया होता है, और सुसाइड इन क्रिश्चियन माइथोलॉजी या क्रिश्चियन रिलीजन में सुसाइड को बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनको गॉड कभी माफ़ नहीं करता। तो इस वजह से जो प्रीस्ट उसको बरी करता है मतलब दफनाने में उसकी मदद करता है सबकी, ओफीलिया की, वो बहुत दिल से इसमें इनको हेल्प नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि ये वो भी सिन कर रहा है इसको हेल्प करके, ओफीलिया की मतलब लास्ट राइट्स को करके। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थीम पे अभी आया है, मेरे पास डिमांड आई है कि हैमलेट की थीम पे पूरा पूरा प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मुझे लगा कि सबसे पहले हैमलेट के ऊपर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को आगे, एक स्टेप आगे ले जाने से पहले। तो हैमलेट स्टोरी अगर आप एक लाइन में देखें तो हैमलेट एक ऐसे प्रिंस की स्टोरी है जिसके फादर का मर्डर उसके अंकल के ही थ्रू होता है, और फिर उसके अंकल और उसकी जो मदर उसकी मदर हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं, और ये बात जब हैमलेट को पता चलता है कि उसके फादर का जो मर्डरर है उसी से उसकी मदर ने शादी किया, तो उसको ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है, और फिर वो फैसला करता है कि वो उससे बदला लेगा, अपने अंकल से बदला लेगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से कंफ्यूज्ड है और किस तरीके से वो एक्शन करता है, ये पूरी पूरी स्टोरी है हैमलेट की। और लास्ट में ये चूंकि ट्रेजेडी है इसलिए हैमलेट की भी डेथ हो जाती है, ओफीलिया की भी डेथ हो जाती है। ओफीलिया जो कि हैमलेट से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन हैमलेट चूंकि
इतना ज़्यादा अपने फादर के डेथ की बाद या उसके उनके मर्डर के बाद वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों में मशगूल हो गया रहता है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता ओफीलिया पे, और ओफीलिया इस वजह से काफ़ी हर्ट होके वो सुसाइड कमिट कर लेती है। वो थोड़ी सी कह मतलब दिमाग भी उसका मैड हो जाती है, पागल हो जाती है, और फिर उस सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, डूब जाती है। तो ये पूरी पूरी स्टोरी है, और लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, सारी सबकी डेथ हो जाती है। गर्ट्रूड मर जाती हैं, पोलोनियस की डेथ हो जाती है, लियार्ट्रिस की डेथ का डेथ हो जाता है, क्लॉडियस मर जाता है, मतलब कोई बचता नहीं है। तो पूरी पूरी जो समरी है वो यही है, और इस पर अगर डिटेल्ड समरी आप कहेंगे तो प्लीज़ मैं ज़रूर इस पर काम करूँगी, मैं बना दूँगी। तो ये है पूरा पूरा हैमलेट, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर से नहीं पूछना चाहिए। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थीम पे होगा। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।